तो दोस्तों सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रख कर, और हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह। सिलाई लग जाने के बाद हमें इस तरह से सीधा कर कर उसको दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगानी है। आप कपड़े को इस तरह से रखकर हमें इस कोने से उस कोने तक 25 इंच लेना है चौड़ाई, और वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर कर हमें वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद हमारी जो चौड़ाई है उसे ऊपर से कट कर लेना है। दूसरी साइड का भी इसी प्रकार कट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा थैला बन गया है, हम चूड़ीदार की कटिंग करेंगे अब। कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, ये देखिए जो कोना है इसको इतना गैप देकर, इधर से अंदर से वो आएगा, ऊपर से ये कोने को इतना गैप देकर बिछा लेना है। अब नाखून की मदद से किनारे को दबा देना है, उसके बाद स्केल लेकर एक सीधी लाइन खींच देंगे। फिर हमारी कमर की जो चौड़ाई है वो हम 11.5 इंच रखेंगे, और उस निशान से 16 इंच पर एक निशान लगा देंगे नीचे। ऊपर हमने 11.5 इंच रखा है, नीचे एक 0.5 इंच ज़्यादा लेकर 12 इंच पर निशान लगा देंगे, और पट्टी से उसको सीधा कर लेंगे। और ऊपर से हमारी लंबाई हम नाप लेंगे, लंबाई है हमारी 54 इंच, तो हम 55 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर पट्टी से उसको सीधा कर लेंगे। हमारे पंचे की चौड़ाई है 9 इंच, उसका आधा होता है 4.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। उससे ऊपर 19 इंच पर एक निशान लगेगा हमारा। नीचे हमने 5.5 इंच लिया है, तो ऊपर 6 इंच लेंगे, 0.5 इंच बढ़कर रखेंगे, और उसको पट्टी से सीधा कर लेंगे। अब इस निशान से इस निशान तक पट्टी को ऐसे राउंड शेप में मार्क कर लेंगे, पट्टी रखकर।
अब हमें उसी मार्ग पर कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद दूसरा वाला जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको इस तरह से सरकाकर हमें बिछा देना है, और बिछाकर उस पर नाखून से हमें दबा देना है उसके किनारे को। फिर जो हमने एक साइड जो कट किया हुआ है पहला भाग, उसे इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारे चूड़ीदार की कटिंग पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।